नमस्कार दोस्तों, आरओ फिल्टर सपोर्ट में आपका स्वागत। दोस्तों, आपके सामने जो वाटर प्योरीफायर दिख रहा है, इस वाटर प्योरीफायर का प्योर वाटर नहीं आ रहा है, रिजेक्ट वाटर आ रहा है। ये देखिएगा, रिजेक्ट वाटर को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्योर वाटर थोड़ा भी नहीं आ रहा है। रिजेक्ट वाटर का जो फ्लो है प्रॉपर फ्लो है और जैसा पहले था वैसा है, लेकिन प्योर वाटर नहीं आ रहा है। ये देखिएगा, टंकी पूरी की पूरी खाली पड़ी है, उसमें पानी नहीं है क्योंकि प्योर वाटर ही नहीं आ रहा है। तो ये जो कवर है, ये कवर निकाल के देखेंगे कि किस तरह से ये नहीं आ रहा है रिजेक्ट वाटर। तो इस तरह से आपको ये स्क्रू खोलना है, जो सेफ्टी गार्ड होता है इस वाटर प्योरीफायर का, तो ये खोलना पड़ेगा। साइड के चार स्क्रू निकाल के, ऊपर दो होते हैं और नीचे दो होते हैं। तो ये चार स्क्रू निकालने के बाद इस ट्रांसपेरेंट सेफ्टी गार्ड को हम हटाएंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि आखिर में क्या इश्यू है कि प्योर वाटर नहीं आ रहा है। ज़्यादातर केसेस में दोस्तों ऐसा देखा गया है कि प्योर वाटर नहीं आता है लेकिन रिजेक्ट वाटर आता है। तो आरओ मेम्ब्रेन ही ख़राब होता है, लेकिन बूस्टर पंप का प्रेशर, ओवरऑल सब चीज़ें चेक करनी पड़ती है आपको। तो ये देखिएगा, ये सेफ्टी गार्ड निकाल दिया हमने, और सेफ्टी गार्ड निकालने के बाद जो प्योर वाटर का पाइप है, तो ये जो प्योर पाइप है ये बाहर निकालेंगे। ये देखिएगा, वाटर प्योरीफायर चालू है दोस्तों, लेकिन यहाँ से एक बूंद भी नहीं आई है। वाटर प्योरीफायर चालू होकर 2 मिनट से ऊपर टाइम हो चुका है। ये देखिएगा, यह तो प्रॉपर तरीके से पानी आ रहा है, लेकिन प्योर वाटर क्यों नहीं आ रहा होगा। तो यही हमें ढूंढना है, यही हमें चेक करना है, और ये वाटर प्योरीफायर बंद करना पड़ेगा। इसको बंद करने के बाद ये देखिएगा, ये जो आरओ मेम्ब्रेन है, तो ये आरओ मेम्ब्रेन पहले हम क्या करेंगे, रिप्लेस करने से पहले अपने पंप का प्रेशर चेक करेंगे। देखिएगा, वाटर प्योरीफायर चालू कर दिया, और जो पानी का थ्रो है तो थ्रो बेटर है, लेकिन मैक्सिमम प्रेशर कितना है देखना पड़ेगा। कभी कभी थ्रो ओके होता है, लेकिन मैक्सिमम प्रेशर डाउन हो जाता है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। देखिएगा, उंगली लगा दी मैंने, मेरी उंगली नहीं हटा रहा है ये पंप, इसका मतलब प्रेशर कम हो गया है। उंगली थोड़ी भी नहीं हटा रहा है, मैं जब उंगली से उसका मुँह बंद कर देता हूँ पाइप का, तो ये थोड़ी भी नहीं हटती है। तो ये देख सकते हैं, उंगली लगाने के बाद उंगली हटाने की कोशिश करना चाहिए पंप ने, लेकिन नहीं कर रहा है, तो बंद कर दिया। और एक प्रेशर गेज है दोस्तों, इस प्रेशर गेज के थ्रू ये प्रूव करेंगे कि ये प्रेशर वाकई में कम है। तो ये लगा दिया यहाँ, और इसके बाद बटन ऑन और वाटर प्योरीफायर चालू। उंगली लगाकर मुंह बंद कर देता हूँ। ये देखिएगा, मैक्सिमम प्रेशर कितना क्रिएट करता है, 90 PSI तक जाता है दोस्तों। यहाँ से आपको दिखाता हूँ, 85 से 90 PSI अचीव करता है जो प्रेशर है। तो ये देखिएगा, 85 के आगे 90 को भी नहीं छू रहा है, देखिएगा 80 के नज़दीक घूम रहा है। तो ये इतना तो हमारा वर्किंग प्रेशर रहता है, 80, 85, 90, तो ये तो वर्किंग प्रेशर रहता है, तो ये मैक्सिमम प्रेशर आ रहा है पंप। तो दोस्तों, अब क्या करना पड़ेगा, कौन से स्टेप उठाने पड़ेंगे, कस्टमर के साथ बातचीत करके दो चीज़ें मैंने आइडेंटिफाई की है। देखिएगा, ये जो दो चीज़ें है, देखिएगा ये नीचे वाला हेड और ऊपर वाला मेम्ब्रेन, ये दो चीज़ें रिपेयर करनी पड़ेगी। जो पंप का हेड है तो ये रिप्लेस करना पड़ेगा, और जो मेम्ब्रेन है इसको भी रिप्लेस करना पड़ेगा। ये दो चीज़ें अगर रिप्लेस हो जाएगी तो वाटर प्योरीफायर प्रॉपर वर्किंग करेगा। लेकिन कस्टमर का कहना है कि पंप हेड यानी कि पंप रिपेयर नहीं करना है, बहुत बार पंप रिपेयर किया है, तो सिर्फ मेम्ब्रेन चेंज करके अगर कुछ हमारे पास ट्रिक है तो उस ट्रिक का यूज़ करेंगे और ये वाटर प्योरीफायर चालू करेंगे। तो ये मेम्ब्रेन खोल दी यानी कि हाउसिंग निकाल दिया, और ये जो आगे का ढक्कन है खोल देंगे, और एक मेम्ब्रेन चेंज करेंगे। और इसके बाद क्या करना है आपको, सीधा मेम्ब्रेन आप चेंज करके लगाओगे तभी भी प्योर वाटर नहीं आएगा, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पंप का जो प्रेशर है, मैक्सिमम प्रेशर है, वही कम है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आने वाले कुछ 1-2 मिनट में आपको बताऊंगा, और आपको पूरी तरह से पता चलेगा कि प्योर वाटर आने के लिए क्या किया है मैंने, कम प्रेशर में, वो भी कम प्रेशर में। कम प्रेशर में एक्चुअली वाटर प्योरीफायर नहीं चलता यार, लेकिन मैंने, ये देखिएगा, ये कोनियोनीर की 80 GPD की मेम्ब्रेन है दोस्तों, ये देख सकते हैं कोनियो लिखा है, कोनियोनीर की 80 GPD की मेम्ब्रेन है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, अगर आप परचेस करना चाहते हो तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो ये देखिएगा, यहाँ लगा दिया इस तरह से ये ढक्कन, देख सकते हैं
पूरा टाइट करना है और ये जो हाउसिंग है वापस लगा देना है जहाँ से हमने निकाला है, वहाँ से आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा फिर से इस मेम्ब्रेन हाउसिंग को। तो ये यहाँ लगा दिया, देख सकते हैं प्रॉपर, देख सकते हैं सेंटर वाला प्योर का और साइड वाला, ये साइड वाला रिजेक्ट का, ये प्योर का और ये रिजेक्ट का, ध्यान में रखिएगा। प्योर का पाइप प्योर में लगा दिया और रिजेक्ट का पाइप नीचे से मोड़ के रिजेक्ट में लगा दिया, ये देखिए। और दूसरी साइड में हाउसिंग के दूसरी साइड में ये देखिए प्रेशर गेज लगा हुआ है, तो ये निकाल देते हैं और ये जो पाइप है तो हाउसिंग के दूसरे साइड में लगा देते हैं। इन वाला बूस्टर पंप से आया हुआ पाइप है, बटन ऑन, पानी ऑन होना चाहिए, आना चाहिए। तो देखते हैं पानी आता है नहीं आता है, किस तरह से आता है, कैसे आता है, तो ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। देख सकते हैं रिजेक्ट वाटर नहीं आया है, थोड़ा टाइम लगेगा, सभी फिल्टर्स खाली हुए हैं। तो वाटर कनेक्शन डिस्कनेक्ट करने के बाद वाटर फिर से आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। फिल्टर में वाटर प्योरीफायर के जो फिल्टर्स होते हैं उसमें कुछ भी पानी नहीं होता, इसलिए थोड़ा टाइम लेता है, वहाँ तक आपको राह देखनी है। और सबसे पहले ये देखिएगा रिजेक्ट वाटर आ गया, और रिजेक्ट वाटर ही पहले आता है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, रिजेक्ट प्योर वाटर कभी पहले नहीं आता है, पहले रिजेक्ट वाटर आता है। तो ये रिजेक्ट वाटर आ गया, अभी देखेंगे प्योर वाटर कब आता है और किस तरह से आता है। तो दोस्तों ये वीडियो आप कंटिन्यू देख लीजिएगा, क्योंकि बीच में स्किप करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कम प्रेशर में, अपने बूस्टर पंप का प्रेशर कम होने के बावजूद भी प्योर वाटर कैसे आया। उसका एक ट्रिक है दोस्तों, आपको भी बहुत काम आएगा और आपने वाटर प्योरीफायर के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो अभी तक तो प्योर वाटर नहीं आया है, देखते हैं अभी, ये देखिएगा बूंदे आ रही है कुछ बूंदे, इसका मतलब एक या डेढ़ मिनट में ये पूरा प्रॉपर फ्लो चालू हो जाएगा। ये देखिएगा बबल्स के साथ पानी आ रहा है थोड़ा थोड़ा, फिर शुरुआती एक दो मिनट ऐसे ही होती है फिल्टर खोलने के बाद, जो फिल्टर्स के अंदर एयर मौजूद होती है उसकी वजह से ऐसा आपको महसूस होता है कि अंदर से बबल आ रहे हैं। तो ये फ्लो दोस्तों देखिएगा कितना फ्लो आ रहा है, बहुत ही बेटर फ्लो है दोस्तों, बहुत ही बेस्ट फ्लो, और इससे भी ज़्यादा फ्लो बढ़ेगा दोस्तों, क्योंकि अभी टीडीएस एडजस्ट करना है, कम टीडीएस में, बहुत कम टीडीएस में ये चल रहा है, तो इससे भी ज़्यादा फ्लो हमें दिखाई देगा। रिजेक्ट का देखते हैं, रिजेक्ट का प्रॉपर तरीके से आ रहा है जैसे पहले था, अभी भी ऐसा ही है, मेम्ब्रेन रिप्लेस करने से पहले भी ऐसा ही था। टीडीएस चेक करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको कन्फर्म हो जाए कि सच में ये प्योर वाटर आ रहा है। तो 00 PPM, 000 PPM दिख रहा है आपको, ये लगा दिया इसमें, और 26 PPM TDS है, तो हमें ये 50 के आगे लेके जाना है, मतलब वाटर का फ्लो भी इससे भी दुगना हो जाएगा। इसका TDS कैसे सेट करना है उसके लिंक में डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिएगा ये ट्रिक है दोस्तों, 450 का FR पहले वाले मेम्ब्रेन को लगा हुआ था, इसलिए कम प्रेशर होने की वजह से पूरा की पूरा प्रेशर ये 450 का FR खा रहा था, और मैंने क्या किया 300 का FR लगाया यहाँ, ये देखिएगा, ये रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं, लेकिन ये 300 का FR यहाँ लगाया, इसलिए अपने मेम्ब्रेन के ऊपर जो बचा हुआ, जो कम किया है हमने यहाँ से जो पानी का फ्लो है, तो इसी वजह से मेम्ब्रेन के ऊपर जो वर्किंग प्रेशर है तो ये बढ़ गया, FR कम किया, FR वैल्यू कम किया, बाकी कुछ नहीं किया है, ये देखिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।